आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल बाय द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इम्प्योर मेटल इनटू अ प्योर मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ठीक है, तो हम जब भी इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल। एंड व्हेन दिस रिफाइनिंग इज टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी then it is known as the electrolytic refining, or we can say the process of refining impure metals by using electricity or by passing electricity is called electrolytic refining. Now we will discuss the whole procedure. Many metals like copper, gold, silver, tin, nickel, zinc are refined by the electrolytic refining process. For this process we require two electrodes, one is anode and cathode. So anode is an electrode which is made up of impure metal, whereas cathode is an electrode which is made up of pure metal. So both are dipped in a solution, that is electrolyte. Now important point related to electrolyte, that electrolyte is the solution of metal salt, meaning अगर हमने ये एनोड और कैथोड कॉपर की ली हैं, फॉर एग्जांपल कॉपर मेटल की अगर हम रिफाइनिंग कर रहे हैं, देन दिस सॉल्यूशन मस्ट बी अ कॉपर सल्फेट या कॉपर का कोई भी सॉल्ट। अगर हमने ये रॉड्स इलेक्ट्रोड्स जिंक की ली हैं, तब हम डिप करेंगे इसको जिंक के सॉल्ट सॉल्यूशन में, विच कैन बी ऑफ जिंक सल्फेट और एनी अदर सॉल्ट। बट द मेन पॉइंट इज दैट जिस मेटल की भी रिफाइनिंग करेंगे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन उसी मेटल का होगा, उसी मेटल के सॉल्ट का सॉल्यूशन होगा। सो व्हेन करंट इज पास्ड देन प्योर मेटल फ्रॉम दिस एनोड, ये इम्प्योर इलेक्ट्रोड है, इसमें प्योर एंड इम्प्योरिटी दोनों प्रेजेंट हैं। सो प्योर मेटल इज डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन एंड इम्प्योरिटीज जस्ट सेटल डाउन इन अ फॉर्म ऑफ एनोड मड। ठीक है, तो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं इन दिस इलेक्ट्रोड विद पैसेज ऑफ टाइम सारी इम्प्योरिटीज़ नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी एनोड मड एंड प्योर मेटल डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन। नाउ दैट प्योर मेटल मूव टूवर्ड्स द कैथोड एंड गेन इलेक्ट्रॉन। सो अगर हम इक्वेशन फॉर्म में बोलें तो एनोड इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड द इम्प्योरिटीज, सो ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इट लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म Cu2+ ion। अब ये टू इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन लूज किए वो आउटर सर्किट में मूव करेंगे, ठीक है। अगर करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं एंड इट रीचेज द कैथोड पार्ट, ठीक है। तो कैथोड क्या इस पॉइंट पर क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सो विद पैसेज ऑफ टाइम जो ये एनोड का साइज है वो थिनर होता जाएगा, क्योंकि जितना भी प्योर मेटल है वो डिजॉल्व होता जा रहा है सॉल्यूशन में। एंड दिस Cu2+ ion विल गेन इलेक्ट्रोड फ्रॉम कैथोड एंड डिपॉजिटेड ओवर द सरफेस ऑफ कैथोड। तो विद टाइम कैथोड का साइज बढ़ता जाएगा और प्योर मेटल इस पर डिपॉजिट होता जाएगा। तो अगर हम कैथोड के रिएक्शन की बात करें, सो Cu2+ ion फ्रॉम द सॉल्यूशन गेन इलेक्ट्रॉन एट कैथोड एंड डिपॉजिटेड इन अ फॉर्म ऑफ Cu। तो ये जितना कॉपर मेटल यहाँ से डिजॉल्व होके सॉल्यूशन में गया था वो यही इलेक्ट्रॉन जो कैथोड पे आए और एक्यूमुलेट हुए उन्हें गेन करेगा और डिपॉजिट हो जाएगा। तो फाइनली हमें एक पूरी इलेक्ट्रोड मिल जाएगी विच इज़ कम्प्लीटली अ प्योर इलेक्ट्रोड, और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी इन अ फॉर्म ऑफ एनोड मड। अब इलेक्ट्रोलाइट हमने कॉपर सल्फेट का लिया, मीनिंग इसमें भी कॉपर आयंस और सल्फेट आयंस था, तो कॉपर आयन यहाँ डिजॉल्व होकर सॉल्यूशन में गया, वही यहाँ पर डिपॉजिट हो गया, तो मूवमेंट इजी हो जाए इसलिए हम सेम इलेक्ट्रोड का ही इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, ठीक है। जिस मेटल की इलेक्ट्रोड्स होती हैं उसी के सॉल्यूशन में हम हमेशा डिप करते हैं, दैट्स व्हाई डिपॉजिट बहुत ही इजीली हो जाता है, ठीक है। तो मेन पॉइंट, एनोड इज एन इम्प्योर इलेक्ट्रोड where oxidation takes place, that is loss of electron. Cathode is a pure electrode where gain of electron takes place, hence reduction takes place.
सो एग्ज़ाम में 3 to 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, आपको किसी भी मेटल पे ये पूछा जा सकता है। सिंपली एनोड के केस में आपने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाना है, कैथोड के केस में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब भी इलेक्ट्रोलाइट लेना है तो जो मेटल लेंगे उसी का सॉल्ट लेना है। तो अगर हम इसकी जर्नलाइज स्टेटमेंट बोलें, दैट एट एनोड मेटल लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड एट कैथोड मेटल गेन इलेक्ट्रॉन, मेटल आयन गेन इलेक्ट्रॉन एंड डिपॉजिटेड ओवर इट, तो डायग्राम सब में कॉमन ही बनेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको चेंज करना होगा, अगर मान लो ये जिंक का इलेक्ट्रोड्स होते तो यहाँ पे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन हो जाता। ठीक है, अगर हम सिल्वर ले रहे हैं तो AgNO3 का सॉल्यूशन होगा। तो कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है, हाउ विल यू रिफाइंड अ गोल्ड और अ सिल्वर बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस, और अ सिल्वर बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस, व्हाट इज द एनोड, व्हाट इज द कैथोड, व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, देन यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी इक्वेशन। डायग्राम भी प्रॉपरली रिप्रेजेंट करेंगे, एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट, और ये पॉजिटिव एंड होता है, दैट इज एनोड इज अ पॉजिटिव एंड एंड कैथोड इज द नेगेटिव एंड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो करंट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन मैंने बताई थी अभी आपको, पर अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ऑब्वियस है करंट विल बी इन द बाय कन्वेंशन इन द अपोजिट डायरेक्शन। और स्टेटमेंट में ये लिखेंगे, विद पैसेज ऑफ टाइम द साइज ऑफ एनोड इज डिक्रीजेस एंड ऑल द इम्प्योरिटीज इज कलेक्टेड एट द बॉटम इन अ फॉर्म ऑफ एनोड मड।